नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। साबूदाने के पापड़ इस सीजन में बनाए जाते हैं और पूरी धूप में या छाया में आप कहीं भी बनाइए। बहुत ही बढ़िया हमने पापड़ बनाए हैं। ये सूख चुके हैं, इसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और इसको कैसे बनाया है इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो ये देखिए, साबूदाना हमें कौन से चाहिए। मैंने सबसे छोटे वाले जो साबूदाना होते हैं वो लिए हैं। आप चाहे तो मीडियम साइज़ के जो खिचड़ी बनती है उससे भी साबूदाने के ये पापड़ बन जाएंगे, पर इनसे बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब बन दोनों से ही जाएंगे, जो आपको मिले आप वो लीजिए। मैंने एक कटोरी साबूदाना लिए हैं, उसे मैंने ओवरनाइट सोक किया है। ओवरनाइट सोक करने के टाइम मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और जितना साबूदाना है उतना ही इसमें पानी भी डाल के रखा। पानी डाल के रखने से ये पानी इसका साबूदाने से थोड़ा एक फिंगर ऊपर था और ये ओवरनाइट सोक होके ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं साबूदाना। तो अब हम बनाएंगे पापड़। बहुत ही ईजी ऐसे पापड़ को बनाना। हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसको गर्म पानी रख दिया है और स्टीम में ये बनेंगे। अब क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने ये कहा था लास्ट टाइम जब मैंने पापड़ बनाए थे कि इस स्टीम की वजह से ना बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट जाती है, तो आप ऐसे टाइम पे बनाइए जब आपको आलू बॉयल करने हो, दाल बॉयल करनी हो, चावल बॉयल करनी है। अच्छी बात है, कोई भी अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर कोई मुझे बताता है तो मैं भी आज उस जो कढ़ाई है ना उसमें आलू डाल दूँ कि मुझे आलू उबलने के लिए चाहिए भी, और ऊपर से हम छन्नी रख के इसे बनाएंगे। बहुत ही ईजी तरीका है और इसे हम थोड़ा सा कलर का इफेक्ट जो देंगे, जैसे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ क्या करेंगे हम। इस साबूदाने के अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है। स्वाद अनुसार हमें नमक डालकर इसे मिक्स करना है। ये साबूदाने में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी हो तो आप ड्रेन आउट उसका कर दो, पानी बिल्कुल नहीं रहने दो। ये देखिए मैंने उसमें नमक मिला दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से साबूदाने मैं निकाल रही हूँ। अब चाहें तो आप साबूदाना को पूरा वाइट ही पापड़ बना सकते हैं। तो ये तैयार है, पर मैंने थोड़ा सा इसमें कलर दिया है, ये हल्का सा येलो कलर दिया है, ये फूड कलर है। बहुत कुछ ही दाने हैं, ये देखिए मैंने इसमें ऑरेंज कलर दे दिया है, बहुत लाइट सा। यहाँ मैंने रेड कलर दे दिया है, पिंक सा। यहाँ मैंने ग्रीन कलर दे दिया है। तो चार कलर मैंने दिए। कुछ कुछ इसमें साबूदाने डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ये कलर। यहाँ पर मेरे पास जो जार होते हैं उनके ढक्कन ले लिए हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, स्टील, एल्यूमिनियम या जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है, सब में ग्रीस कर दिया है। बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करना है। इसमें हमें ये साबूदाना डालना है, बहुत पतली सी लेयर, एक एक चम्मच भी बहुत है। इसमें मैंने हल्का सा येलो कलर दे दिया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें। अभी जैसे इसमें मैं ग्रीन ले रही हूँ, उसमें थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, आप कम ही डालिए बस, कुछ कुछ कहीं कहीं बस इस तरीके से। अब यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है जिसमें मैंने आलू रखे हैं। मुझे आलू चाहिए, तो आपको भी कुछ चाहिए अगर आलू अगर बॉयल करने का टाइम हो तो आप इस टाइम भी ये बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर रख दी एक छन्नी, गैस की फ्लेम फुल है, और ये रख दीजिए। और इसे कवर कर दीजिए। इसे अब हम चेक कर लेते हैं, ये बन चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक थाली में भी चूड़ी रखकर उसे गोल गोल डाल दीजिए और चूड़ी हटाकर आप स्टीम दे दीजिए, वो भी चलेगा। तो इस तरीके से इडली वाले मोल्ड में भी आप रख सकते हैं। जब तक हमारे ये बन गए हैं, हमने दूसरे बना लिए हैं।
हर कलर में आप रख दीजिए। बहुत थोड़े थोड़े से अपने को दो चार दाने डालने हैं, जिससे थोड़ा अच्छा कलरफुल लगता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। अगर हम सर्दियों में इस टाइम सूप्स वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ अगर थोड़े से ये पापड़ वगैरह बना लो तो हेल्दी भी हैं और अच्छे बहुत लगते हैं बच्चों को। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसको आप हल्का सा यू नाइफ फेर दीजिए, ये देखिए, और बहुत जल्दी ना करें, थोड़ा सा एक आध मिनट रखने के बाद इसे। और कोशिश करें कि धूप हो तो आप धूप में रखें, धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, दो से तीन दिन लगे, चार दिन लगे, इसे आप अच्छे से सुखाइए फिर आप फ्राई कीजिए। साबूदाना भी आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ सबसे बड़े जो होते हैं वो नहीं लेने हैं, सबसे छोटे वाले लीजिए जैसे मैंने लिए हैं, या फिर जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं। खाली हो गए, दोबारा ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसे भरिए और फिर इसमें रखिए। इसी तरीके से आपका काम भी चलता रहे किचन का और आपके पापड़ भी बन जाए। तीन से चार मिनट में ये पक जाते हैं, आपको लग ही जाएगा कि ये देखिए स्टीम्ड हो चुके हैं, और इन्हें आप बनाइए। अब इस तरीके से देखिए, अब कोई आपका नुकसान नहीं होगा, आपके आलू भी उबल रहे हैं या शकरकंद उबालनी है, जो भी आपको काम करना वो भी करते जाइए, आपके पापड़ भी बनते जा रहे हैं। इस तरीके से सारे पापड़ बनकर तैयार करेंगे हम। साबूदाना पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं, और इसे धूप में या छाया में आपको सुखा के कड़क करना है, तभी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हर कलर में मैंने साबूदाने के पापड़ बनाए हैं। सबसे छोटे वाले जो साबूदाने होते हैं उसे हमने कैसे बनाया है, कैसे कलर दिया है, ये येलो कलर के बने हैं, यहाँ हल्के से ग्रीन कलर दिया है मैंने, यहाँ मैंने हल्का सा पिंक कलर दे दिया है, और यहाँ हल्का सा ऑरेंज कलर दे दिया है। तो ये सारे सूख के तैयार हो गए, काफ़ी सूखने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। अब हम इसे फ्राई करते हैं और आप देखिए कैसे बने हैं ये पापड़। इन पापड़ से पहले हमने दो तीन वीडियो और भी बनाए, जिसमें चावल के पापड़ बनाए, आपने बहुत पसंद किए हैं, उनकी लिंक भी मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखें, ज़रूर बनाएँ, बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए बढ़िया पापड़ तैयार हो जाते हैं साबूदाने के, और हल्का सा जो कलर का इफेक्ट है ना, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। ये देखिए, ये देखिए, इसकी साइज डबल से भी ज्यादा हो जाती है। जब हमने बनाए थे उसके बाद जब सूखे हैं तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन जब फ्राई करते हैं तो काफ़ी बड़ी साइज इसकी हो जाती है। ये देखिए, आपके भी इसी तरीके से पापड़ बनकर तैयार होंगे, और इसे साल भर तक हम रख सकते हैं। सेंधा नमक डालिए तो आप इसे व्रत में भी खा सकेंगे। सारे कलर के मैंने ट्राई किए हैं, आप चाहे तो कलर नहीं है तो वाइट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीरा डाल सकते हैं, जिस समय हमने नमक डाला था उस समय आप थोड़ा सा जीरा भी डाल दें, वाइट भी रख सकते हैं। अब ये देखिए इस पापड़ ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, लेकिन खाने में कितने सॉफ्ट होंगे, ये देखिए, ये देखिए, बच्चे बड़े आराम से खा सकेंगे, ये क्योंकि ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से ये क्रिस्पी भी लगते हैं, क्रंची भी लगते हैं। तो इसे बनाकर आप फ्राई करके भी डब्बे में रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एक दो दिन आराम से इसे इंजॉय कर सकते हैं। आजकल शाम को हम अक्सर बच्चों को सूप देना चाहते हैं, तो उस टाइम बच्चों को ये थोड़ा सा ज़रूर दीजिए।
तो इस तरीके से फ्राई किया हुआ पापड़ देखिए कितना बड़ा हो गया और बना हुआ पापड़ छोटा सा है, ये देखिए, ये देखिए, तो फर्क आ जाता है काफ़ी सारा फ्राई होने के बाद, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके भी पापड़ बनेंगे इतने ही बढ़िया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।